वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी अब इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुके हैं। सोमवार सुबह गाजियाबाद के डासना मंदिर में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उन्हें सनातन धर्म में शामिल कराया। वसीम रिजवी ने हिंदू बनने के बाद कहा है कि मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया गया था, हमारे सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, आज मैं सनातन धर्म अपना रहा हूँ। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को यकीन दिलाया कि हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने बताया कि वसीम रिजवी त्यागी बिरादरी से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वसीम रिजवी एक शिया मुस्लिम परिवार में जन्मे। रिजवी एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता रेलवे के कर्मचारी थे। रिजवी जब क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पिता की डेथ हो गई थी। इसके बाद रिजवी और उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई। रिजवी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। वसीम रिजवी नैनीताल में पढ़ाई के बाद सऊदी अरब चले गए और एक होटल में बहुत ही छोटे स्तर पर काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद वो जापान चले गए, वहाँ एक कारखाने में काम किया और यहाँ से अमेरिका जाकर एक स्टोर में नौकरी की। जब उनके सामाजिक संबंध अच्छे होने लगे तो उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद वो वक्फ बोर्ड के सदस्य बने और इसके बाद चेयरमैन के पद तक पहुंचे। वो लगभग 10 सालों तक बोर्ड में रहे। रिजवी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो रिजवी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुस्लिम विरोध का सहारा लिया है। उन पर इस्लाम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। इस्लामी इमामों ने उन्हें इस्लाम से निकालने का भी ऐलान किया था। पिछले ही दिनों वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत सार्वजनिक की थी। इसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मरने के बाद उन्हें दफनाया न जाए, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए और उनके शरीर को जलाया जाए। वसीम रिजवी ने कहा था कि यति नरसिम्हानंद उनकी चिता को अग्नि दे और अब उन्हें यति नरसिम्हानंद के हाथों वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।